जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉर दी तो सर प्रैक्टिकली बात करें तो इस लेक्चर के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी टू से थर्टी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑल दोज वी आर गोइंग टू कवर इन इंड टेक्स में सी एस सी एस सी में फाइनल के लिए ओके okay, सर अमेंडमेंट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सर अमेंडमेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अमेंडमेंट नोट्स पढ़ा रहा हूं अमेंडमेंट नोट्स क्या है ये हमारी जो मेन बुक है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बुक ट्वेंटी सिक्स एडिशन इसके उन पेजेस का मैंने स्कैन कॉपी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे वाई एम कॉन्सेप्ट डॉट कॉम उसके फ्री रिसोर्सेज टाइप में जाएं, जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मेन बुक अमेंडमेंट नोट्स क्लियर अच्छा समरी बुक के भी अमेंडमेंट नोट्स वहाँ मैंने अपलोड कर दिए अच्छा अब वहाँ पर जो आपको पेजेस दिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखने में सर ज्यादा दिखेंगे पर सर हर पेज जो मैंने स्कैन करके अपलोड किया है वो पूरा का पूरा पेज अमेंडमेंट नहीं है हो सकता है उस पेज पे एक लाइन या एक पैराग्राफ ही अमेंडमेंट का हो क्लियर तो सर वो सारे पेजेस में जहां जहां अमेंडमेंट है वहां मैंने अमेंडमेंट पोर्शन के आगे ए लिखा है ए फॉर भाई एप्पल नहीं होता है सी ए में ए फॉर अमेंडमेंट तो सरकार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं माहौल के साथ शुरू करते हैं हम क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम ओके सर एक बात और सर अमेंडमेंट लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूं इस बार अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम अमेंडमेंट है चिंता मत करो माहौल के साथ पढ़ेंगे और मस्त होकर पढ़ेंगे एंड सर कोई मेजर अमेंडमेंट इस बार नहीं है चिंता बिल्कुल नहीं करने का मस्त होकर पढ़ने का एंड स्टिल सर धैनना देन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ही सक्सेस आपको दिलाएगा सो माहौल के साथ शुरू करते हैं अमेंडमेंट लेके प्रभु का नाम देखिए सर यह है अमेंडमेंट नोट्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे वाइम कॉन्सेप्टॉट कॉम फ्री रिसोर्सेस बच्चों ओके सर अच्छा वापस से बोल देता हूं मैं ये अमेंडमेंट क्या कवर कर रहे हैं सर आपके लिए ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट नवंबर 2022 टू थर्टी अप्रैल 2023 इसके बीच में जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए अच्छा कोई अमेंडमेंट अगर प्रपोज हुआ है जो एप्लीकेबल नहीं हुआ रिलेवेंट नहीं एग्जाम्स के लिए इसलिए इसलिए

अच्छा मैंने पूरा पेज स्कैन करके क्यों दिया है सर क्योंकि आपके पास जो भी बुक है सर उस बुक के अंदर ये रेस्पेक्टिव रूल आपको मिल जाएगा और उस रूल में वो पूरा रूल मैंने क्यों दिया सर आपको ये पूरा पेज क्यों दिया आपको पता रहे कहा अमेंडमेंट हुआ है तो आपको अपने पास एग्जिस्टिंग बुक अगर बुक अगर आपके पास है नई बुक लेने की जरूरत नहीं है उसी में आप अमेंडमेंट इनकॉर्परेट कर पाओ इसलिए मैंने पूरा पेज स्कैन करके अपलोड किया आपके लिए ओके सरकार सबसे पहली बात रूल नंबर थर्टी

एक रूल नया इंसर्ट हुआ है रूल नंबर थर्टी सेवन ए ये नया इंसर्ट हुआ है ये भी हम आगे बात करें ये डायरेक्ट पोर्शन है नेक्स्ट पेज भी देखिए ये सर पेज नंबर नाइनटी एट से हम अमेंडमेंट प्रैक्टिकली शुरू करें सबसे पहला रूल नंबर थर्टी सेवन ए इसके बारे में बात कर लेते हैं सर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड री अवेलमेंट देर ऑफ तो सर अब प्रैक्टिकली बात करें तो एक्चुअली शुरू हो रहे हैं दिल थाम के सुनी सर सर नंबर थर्टी सेवन ए नया इंसर्ट हुआ है ये क्या बोलता है कहाँ से लिंक किया मैंने सुनना बच्चो ध्यान से हमने सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबसेक्शन टू पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर सब सेक्शन टू याद है बेटा सर कंडीशन फॉर अवेलिंग द क्रेडिट सर ये छह कंडीशन अगर पूरी हुई तो ही क्रेडिट मिलेगा वना क्रेडिट नहीं मिलेगा सर याद है टैक्स इन्वर्स डेबिट नोट या इब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आने चाहिए क्लियर देन गुड्स और बोथ जिसका हम क्रेडिट ले रहे हमको रिसीव हो जाए बिल टू शिफ्ट मॉडल है तो थर्ड पर्सन को रिसीव हुआ हम मान लेंगे हमको रिसीव हुआ और हमको क्रेडिट मिल जाएगा नेक्स्ट सर भाई साहब जो क्रेडिट आप ले रहे हो वो आपके जीएसटी टू बी में इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में नहीं आना चाहिए क्लियर सर एंड नेक्स्ट सरकार को टैक्स पे हो जाना चाहिए सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू क्लोज सी क्या है गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए अब सर हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है अब इसे लिंक करना चाहे सिक्स कंडीशन क्या है रेसिपी ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए ठीक है सर ये छह कंडीशन अब मैंने क्लोज सी से इसको कनेक्ट किया है सर क्लोज सी क्या था गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए अब गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए कौन पे करेगा रिवर्स चार्ज में तो मैकेजिपिन खुद टैक्स पे करेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेज में तो सप्लायर टैक्स पे करेगा अब सर समझना बात को ध्यान से प्रैक्टिकली क्या हो रहा था सर सप्लायर ने अपना जीएसटी फाइल कर दिया अच्छा एक चीज पढ़ाने से पहले ये बैरेट पोर्शन दे रखा है सर जो मैंने ऊपर दिया था वही उसको सर यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया और उसका एनालिसिस पार्ट मैंने यहां दिया है ओके मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ओके दिल थाम के सुनिएगा बच्चों मैं कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा मस्त होके सुनना आप तो आपने अगर मस्त होकर सुन लिया कहानी यही याद हो जाएगी सर और बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा माहौल के साथ सरकार रूल नंबर थर्टी सेवन है वो छोड़ो सर मैं बात कर रहा हूं कनेक्ट करते हुए सर सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन टू क्लोज नंबर सी गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए अब सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए पता कैसे पड़ेगा तो क्या होता है प्रैक्टिकली जैसा आप सबको पता है मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं इसके अंदर सर सर मैं जो चीजें आपको आती है वही कनेक्ट कर रहा हूं और कनेक्ट करते हुए नया रूल क्यों आया कैसे आया और इसका इफेक्ट क्या है वो सबको समझ में आ जाएगा आपको दो मिनट लगेंगे सर सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए अब सर ये प्रैक्टिकली क्या हो रहा था जैसे मैं मैं किसी शोरूम से एसी परचेज करके लेके आया तो सर मैंने जब एसी परचेज किया शोरूम वाले को मैंने मान लो एसी फाइव थाउजेंड का इंक्लूडिंग जीएसटी तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंक्लूडिंग जीएसटी मैंने उसको पे कर दिया अब उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया कि नहीं किया आपने क्या पता पड़ेगा यार इसलिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है सिस्टम क्या बना हुआ सप्लायर अपना जीएसटर वन यानिशिंगीएसआर टू बी में आएगी मतलब अगर मेरे जीएसटीआर टू बी में क्रेडिट आ गई तो मैं क्रेडिट लेता हूं सर और अब यार उसने जीएसटीआर वन फाइल किया क्या इसका मतलब ये कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है जीएसआर वन फाइल किया या फैसिलिटी यूज करके इन्वेस्ट फनिश किया और वो क्रेडिट हमारा जीएसआर टू बी के अंदर आ गई रिफ्लेक्ट हो गई क्या इसका मतलब ये है है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया है। नहीं क्योंकि जीएसटर वन जो फाइल किया वो तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है जीएसटर थ्री बी जब फाइल करेगा सप्लायर तब जाके पता पड़ेगा कि टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर इसलिए सर अब तक जो था यह लिखा था कि सर आससी जो रेसिपिएंट है जैसे उसके जीएसटी टू बी में क्रेडिट आ रही है वो सेल्फ असेसमेंट बेस पर इस पर सेक्शन सी गवर्नमेंट को टैक्स पे जाना चाहिए ये भरोसा करते हुए कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को क्लियर तो सेक्शन नंबर 41 अभी भी है सब और उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर ये पता पड़ा सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो रेसिपेंट विल बी रिक्वायर टू रिवर्स द क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ये हमने पढ़ा हुआ सर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है अब सर गवर्नमेंट ने क्या किया एक नया रूल नंबर थर्टी सेवन ए इंसर्ट कर दिया और बोल दिया यस चिंता ना करें सेक्शन फोर्टी वन ने क्या बोला कि क्रेडिट आपके जीएसटी टू बी में आ रही है बाकी सारी कंडीशन पूरी है तो सेक्शन फोर्टी वन में लिखा हुआ है कि रेसिपेंट आप ये मान लो कि सप्लायर बिल्कुल अच्छा पर्सन है उसने टैक्स पे कर दिया होगा आप सेल्फ असिमेंट बेस पर क्रेडिट ले लीजिए तो सेक्शन सब सेक्शन टू क्लोज सी बोलता है गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए तो सेक्शन फोर्टी वन में ये लिखा हुआ है कि आप भरोसा करिए सप्लायर पे और ये मान लीजिएगा टैक्स पे हो गया होगा और सेल्फ असमेंट बेस पे आप टैक्स का टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए पर रूल नंबर बोलता है क्या कि साहब आपने भरोसा किया अच्छी बात है सप्लायर टैक्स पे कर देगा अच्छी बात है पर सेक्शन फोर्टी वन में ये भी लिखा है कि फ्यूचर में अगर ये पता पड़ा कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो रेसिपेंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट तो उसके लिए एक कहानी आप दे दी और वहां रोल नंबर थर्टी सेवन एन सर्ट करके बोल दिया क्या कि हम गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर फॉर एग्जाम्पल जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मंथ का जीएसटीआर वन सप्लायर ने सबमिट किया आपके जीएसटी टू बी में क्रेडिट आ गई आपने जनवरी महीने में क्रेडिट ले ली ये भरोसा करते हुए कि सप्लायर टैक्स पे कर देगा पर सर ये रूल नंबर थर्टी सेवन ए कहता है कि सप्लायर ने अगर वो जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का रिटर्न रिटर्न मतलब सबमिट ही नहीं किया मान लो तो कब तक इंतजार करेगी सरकार यार रेसिपेंट तो क्रेडिट ले चुका गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला इधर रेसिपेंट क्रेडिट ले चुका यार अच्छा रेसिपेंट की कोई गलती नहीं इसमें पर गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग करने के लिए ये रूल नंबर थर्टी सेवन ए इंसर्ट करना पड़ा और वहां लिख दिया कि कब तक

सर जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो क्रेडिट थी वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टी उस जनवरी 2023 मंथ इज द जस्ट एग्जाम्पल जनवरी 23 का सितंबर 23 तक अगर उसने जी एसटा थ्री फाइल नहीं किया तो वो रेसिपेंट हमें मान लेंगे आपने जो भरोसा किया वो टूट गया है और सर हमारा क्रेड आप रिवर्स कर दीजिए आप मतलब रेसिपेंट को बोल दिया क्या कि अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी थ्री भी फाइल नहीं किया थर्टीएथ सेप्टेंबर ऑफ नेक्स्ट ऑफ़ मंथ जिस बिल के बेस पे आप क्रेडिट ले चुके हो उस बिल का जो जीएसटी वन का जो मंथ था मतलब जनवरी मंथ जो था उसका क्रेडिट उस बिल का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा थर्टीएथ नवंबर या उससे पहले पहले आई रिपीट आई रिपीट सर मतलब सप्लायर ने 30 सितंबर तक थर्टी सितंबर तक अगर अपना जीएसटा 3बी बी फाइल नहीं किया जनवरी महीने का जनवरी जनवरीपल मतलब फाइनेंशियर एग्जाम्पल फाइनेंशियर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में किसी भी महीने का रिटर्न था सर फाइनेंशियर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का कोई भी महीने का रिटर्न जैसे थ्री बी उसने वन तो फाइल कर दिया आप भले दिसंबर जनवरी का वन कर दिया। उसके बेस पर रेसिपेंट ने ले लिया सर उसने जनवरी ट्वेंटी थ्री का रिटर्न थर्टी सितंबर 2023 तक ट्वेंट्री ट्वेंटी थ्री तक अगर फाइल नहीं किया तो रेसिपेंट को तीस नवंबर जो आ रहा है अगले थर्टी नवंबर टू ट्वेंटी थ्री उस दिन या उससे पहले पहले वो क्रेडिट जो उस बिल की बेस पे ली थी वो रिवर्स करनी पड़ेगी और थर्टी नवंबर तक अगर उस रेसिपेंट ने वो क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो ऐसे केस में फर्स्ट दिसंबर से क्या लग जाएगा भाई साहब इंटरेस्ट लग जाएगा उस रेसिपेंट पे अगर थर्टी एथ नवंबर तक वो क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो क्लियर एंसर सब्सिक्वेंटली अगर वो सप्लायर अपना जीएसटी फाइल कर देता है तो रेसिपेंट अपना वो क्रेडिट वापस रीअवेल कर सकता है और रीअवल करने के लिए सेक्शन का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है हम सबको पता

जिस फाइनेंशियल रिलेटेड क्रेडिट थी वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर या उससे पहले पहले उस रेस्पेक्टिव मंथ का जी अगर फाइल नहीं किया तो सर आने वाले थर्टीएथ नवंबर या उससे पहले पहले उस को वो क्रेडिट जो उसने ली थी उतना अमाउंट या तो रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लाइब्रेड में एड करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और थर्टीएथ नवंबर तक अगर उस रेसिपेंट ने वो आईटीसी रिवर्स नहीं किया या लाइब्रेडी पे नहीं करी गवर्नमेंट को तो ऐसे केस में सर फर्स्ट दिसंबर से उस रेसिपेट को इंटरेस्ट भी लगेगा उस अमाउंट पे अगर उसने वो आईटीसी यूज किया था तो क्योंकि इंटरेस्ट तभी लगता है क्रेडिट पे अगर उसने यूज किया तो आईटीसी यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी पर यस थर्टीन नवंबर या उससे पहले पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा नहीं रिवर्स किया तो फर्स्ट दिसंबर से क्या लग जाएगा इंटरेस्ट लग जाएगा एट रेट ऑफ एटीन पर नम जिस दिन से उसने आईटीसी यूज किया को उस दिन से बेटा

क्लियर ये था रूल नंबर 37 ए ये था सर उसका डायरेक्ट पोर्शन ये मैंने एनलिटिकल यू में ये जीएसटीआर वन इनवॉइस फॉर नेशनिंग फैसिलिटी जीएसटीआर टू बी क्लियर और सर उसने जीएसटीआर थ्री बी के अंदर क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो क्या करने का ये सब मैंने 30th सितंबर तक अगर सप्लायर के लिए टाइम दिया 30th सितंबर तक कि थर्ट सप्टेंबर तक उसको जीएसटा थ्री भी फाइल करना पड़ेगा रेसिपेंट को टाइम दिया थर्ट नवंबर तक अगर उसने थर्टीएथ तक रिटर्न फाइल नहीं किया था एट नवंबर या उससे पहले पहले रेसिपेंट को अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा नहीं किया तो क्या लग जाएगा भाई साहब इंटरेस्ट हा है ना इफ आई टी सी उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली कहना री अवेल द आई टी सी और सेक्शन नंबर सिक्सटीन फोर का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं लगता है टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि सर आपने जो क्रेडिट ली है वो फर्स्ट टाइम अवेलमेंट का टाइम नोट लगता है अब आई होपिक ए का, का, का अगलांबर थर्टी सेवन में हुआ था जो हमने आगे बैरक्ट पार्ट में देखा था ये वाला पॉइंट देखिए थर्टी सेवन ए तो पूरा नया रूल था हमने पढ़ लिया ये थर्टी सेवन ए में ये कुछ वर्ड्स ऐड किए वो जो ऐड किए वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको रूल रूल नंबर नंबर ए और सर वैसे बात करें तो एस सच इस अमेंडमेंट का कोई मेजर इफेक्ट नहीं है ये अमेंडमेंट एक तरह से समझ लीजिए ये वर्डिंग एक्ट में लिखी थी सेक्शन नंबर सब सेक्शन टू के सेकंड प्रोविजन में लिखी हुई थी सर ये पर रूल में लिखी हुई नहीं थी तो रूल में इंसर्ट कर दिया बात को बस कोई चेंज नहीं हुआ जो आपने पढ़ा हुआ है वही अभी भी एप्लीकेबल है मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको वापस से पर सर देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट एसच नहीं है क्लियर मैं तुम्हें बताता हूं मुझे

अंदर अंदर अगर रेसिपेंट ने पे कर दिया सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स का अमाउंट तो कोई तकलीफ नहीं है बट इफ द रेपेंट फेल्स टू मेक पेमेंट विदिन जिस, दिन जिस महीने में एक्सपायर हो रहे उस महीने की लाइबिलिटी में उस अमाउंट को उत्त अमाउंट मतलब आपने 10 प्लस, 1 एटी तो था बैठा इलेवन एटी में सिक्स लैख पे कर दिया तो फाइव एटी आपने पे नहीं किया तो फाइव एटी डिवाइड बाई वन एट एटीन ये जो टैक्स अमाउंट आएगा इतना आपको सर जिस महीने में एक सौ अस्सी दिन एक्सपायर उस महीने की लाइब्रेरी में एड करना पड़ेगा में क्लियर समझे मेरी बात ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे अभी भी हमने पढ़ लिया बस सर रूल नंबर थर्टी सेवन के अंदर ये वर्डिंग लिखी भी नहीं थी तो क्लेरिफिकेशन के लिए वर्ड लिख क्या कि इफ द फेल्स टू मेक पेमेंट पेमें वेदर होली और पार्टली या तो पूरा पेमेंट नहीं किया या पार्ट पेमेंट नहीं किया पार्ट पेमेंट नहीं किया तो प्रपोशन अमाउंट जो आपने सप्लायर को पे नहीं किया उतना अमाउंट का जो प्रपोर्शन आई टी सी आएगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर आउटपुट एक्स लाइव में ऐड करना पड़ेगा पे केवल में करना पड़ेगा ये लिखा था अब आउटपुट एक्स लाइव में ऐड करो या रिवर्सल करो इम्प्लीकेशन दोनों के सेम ऑलरेडी बात कर चुके इसके बारे में सर आपको ऑलरेडी आता है ये बात तो सर रिवर्सल वर्ड लिखा नहीं था तो रिवर्सल वर्ड भी ऐड कर दिया सर क्लियर कोई फर्क नहीं है तो मतलब आपने जो पढ़ा वही है कोई मेजर कोई चेंज नहीं है तो लिख दिए एक्ट में वर्डिंग ऑलरेडी थे कि अगर और हां रिवर्सल का ऑप्शन नहीं था रिवर्सल दे दिया सर प्रैक्टिकली आईटीसी पढ़ा है तो उसको रिवर्स कर दो तो नहीं है तो लाइब्रेड में ऐड करके पे कर दो तो सर क्या फर्क पड़ता है ओके okay, वापस बोल देता इफ द द फेल्स टू टू मेक पेमेंट विद इन डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑफ इनवॉइस तो ऐसे केस में जितना अमाउंट सप्लायर को पे नहीं किया है रेसिपेंट ने उतना प्रपोस्ट एड आई टीसी आउटपुट टैक्स लाइब्रेड में ऐड करना पड़ेगा या फिर रिवर्स करना पड़ेगा उस महीने के के अंदर जिस महीने में एक सौ अस्सी दिन एक्सपायर हो रहे हैं बच्चों क्लियर डन मतलब कोई चेंज नहीं था शायद जैसे ही मैंने प्रोविजन बोला आपको सारे वर्डिंग्स जो लो में आपने, जो में आपने, सर पढ़े हुए ऑलरेडी वो शायद याद आए होंगे बच्चों ओके okay? आइए बच्चों अच्छा एक बात और एक बात और ये अमेंडमेंट लेक्चर्स ये अमेंडमेंट लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो लेटेस्ट बैच मेरा रिकॉर्ड हुआ था मुंबई में वो अगर बैच लिया है या उसका गूगल ड्राइव फॉर्म या पेन ड्राइव फॉर्म अगर आपने लिया है मतलब जो अप्रैल और मई महीने में मेरा जो लेटेस्ट बेस था बॉम्बे में क्लियर उसका जो रिकॉर्डिंग था वो अगर आपने लिया तो ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए बच्चे ओके चलिए सर।, सर सरकार आइए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम मतलब सर आईटीसी में केवल ये दो चेंज थे कोई मेजर चेंज नहीं था सर सेकेंड कंपोजन स्कीम में कोई चेंज नहीं है टाइम ओ सप्लाई वैल्यू सप्लाई सप्लाई की डेफिनेशन शेड्यूल टू थ्री उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों क्लियर अगर हम कहा अच्छा कम्पोजन स्की में कोई चेंज नहीं है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक वर्ड एड किया मस्त वाला क्लियर देखना ध्यान से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या लिखा सर एक प्रोविजन प्रोविजन में, में? एक्सप्लेनेशन में? एक में लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन मतलब आरसीएम वाला नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मतलब आरसीएम वाला नोटिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ आरसी तरह से इन सो फार्लाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस भी लिखा हुआ था अभी लिख दिया वर्ड कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर इंसल्टेड बाई नोटिफिकेशन नंबर टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अच्छा वैसे ये नोटिफिकेशन नंबर विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मार्च ये सब याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी क्वेश्चन जो आएगा वो तीस अप्रैल को जो प्रोविजन से उसके अकॉर्डिंग आएगा बच्चा ये किस दिन से अमेंड हुआ किस नोटिफिकेशन से हुआ ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है डेट भी याद करने की जरूरत नहीं है सर ओके सर मैं वापस बोलता था बच्चा मैं आपके लिए अब हुआ क्या समझा था मैं आपको बेटा चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रोविजन रिवर्स चार्ज में दिए हुए हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पर भी अप्लाई होते हैं ये तो पहले भी था सर मतलब संसद और विधानसभा अरे हा भाई सर यहां पर भी ये आ, इन पे भी ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बट नाउ इट इंक्लूड्स कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ऑल्सो मतलब जो भी प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेजम के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर और कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पे भी अप्लाई होंगे अब मैं इसका मीनिंग समझाता था बच्चा मैं आपको जैसे आपने पढ़ा हुआ है सर क्या ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अब मैं प्रोविजन लिंक करके समझाने वाला हूं ये तो मैंने बता दिया आपको अब मैं समझा रहा हूं बच्चा ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटीज याद करो एक तो पोस्ट वाली सर्विसेज सल एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विसेज इन सर्विसेज में तो फॉरवर्ड चार्ज है इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दी है तो ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी विल बी टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेजमें क्लियर सेकेंड एक और पॉइंट था गवर्नमेंट ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज दी है रेंटिंग ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूमल प्रॉपर्टी टू अ बिजनेस एंटिटी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो फॉरवर्ड चार्ज मैके गवर्मेंट खुद टैक्स पे करेगा पर अगर रेंटिंग ऑफ एमूल प्रॉपर्टी की सर्विस गर्मेंट ने दी है किस को ऐसे किसी बिजनेस एंडिटी को हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेगा और बिजनेस एंडिटी विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्ट बेटा क्लियर डन अब ये प्रोविजन जो है रिवर्स चार्ज के ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे ये प्रोविजन सर पार्लियामेंट और स्टेटिस्ट लेचर पे तो अप्लाई है ही है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में भी अप्लाई होंगे एग्जाम्पल देता मैं आपको बेटा मान लो कोई कोर्ट है बेटा हाई कोर्ट हाई कोर्ट में सर हाई कोर्ट का जो एरिया है सर बहुत बड़ा एरिया है वहां पे कोई टेलीकॉम कंपनी को कोई टावर लगाना साहब टेलीफोन टावर लगाना है अब सर कोर्ट की परमिशन चाहिए उसको कोर्ट उसको एरिया रेंट पे देगा बच्चा तो सर ऐसे केस में रेंट चार्ज करेगा कौन कोर्ट तो कोर्ट जो रेंट चार्ज कर रहा है उस बिजनेस एंटिटी से <coughs> उस बिजनेस एंटिटी से जो रेंट चार्ज किया किसने कोर्ट ने अब वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है अब ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और वहां पर रेसीपेंट जो वो बिजनेस एंटिटी टेलीकॉम कंपनी वो लाइव होगा टैक्स पे करने के लिए टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम समझे मेरी बात तो सर सर जो प्रोविजंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो भी प्रोविजंस रिवर्स चार्ज के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो सारे ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स पे भी अप्लाई होंगे सब क्लियर वो सारे प्रोविजंस विधानसभा और सांसद संसद पे तो अप्लाई होते ही होते हैं संसद मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पर तो अप्लाई होते ही होते हैं कोर्ट और ट्रिब्यूनल पर भी अप्लाई होंगे और कोर्ट्स पर मतलब कोर्ट ने अगर कोई भी सर्विस दी है सरकार बिजनेस एनडीटी को तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेजम लगेगा और रेसिपेंट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता मैंने में के एरिया के नर, के, रूम बने लॉयर्स ने कोर्ट से रेंट पे लिए बेटा अगेन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय कोर्ट टू तो बिजनेस एंटिटी अब वहां टैक्स लगेगा अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो रिवर्स आज वो टैक्स पे करेगा नहीं तो कोर्ट पे टैक्स पे करेगा क्लियर मतलब रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो सारे कोर्ट पे भी अप्लाई होंगे पर मैं एक आपको इंटरप्रेट का इश्यू इसमें आएगा बताता हूं मैं आपको अच्छा मैंने ये अमेंडमेंट तो आपको पढ़ा दिया है विद एग्जांपल पढ़ा दिया है अब मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल इसमें जो इंप्लीकेशन आने वाले आने वाले वक्त में वो बताया था बच्चा मैं जैसे आपने और हमने शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री में लिखा है क्या फॉलोइंग सप्लाई शिल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ंग सप्लाईज शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है क्या सर्विस और ट्रिब्यूनल अब सर वहां तो ये तो नहीं लिखा ना कि लीगल सर्विसेज या जो केसेस फाइल हो रहे हैं कोर्ट के अंदर वो वाली सर्विसेज ही वहां पर कवर है वहां तो लिखा है ऑल द सर्विसेज सर्विसेज का कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया सर्विसेज बाय कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स

अगर सर्विसेज कोर्ट ए ट्रिब्यूनल ने दी है, अदर देन वो लीगल सर्विसेज, सर्विसेज सर पे चाहे होता न, को ना कैंटीन वगैरह बेटा कैंटीन को उन्होंने एरिया रेंट पे दिया तो कैंटीन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज कैंटीन को टैक्स पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा समझे तो ये प्रोविजन आप एग्जामिनेशन लिए ध्यान रखिएगा ओके okay, मालिक चलिए सरकार ये था कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को भी इंक्लूड कर दिया रिवर्स चार्ज रिवर्समेंट के प्रोविजन में जो गवर्नमेंट पे अप्लाई होते अपलाये वो प्रोविजन कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे और जो कोर्ट सर्विस दे रहा है उसमें रिवर्स चार्ज में उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा एग्जाम्पल रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी क्लियर माहौल सरकार आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट नहीं है प्लेस और सप्लाई के चैप्टर में एक जो प्रोविजन है उसे उसमें कुछ डिस्प्यूट हो रहा था उसमें कुछ क्लियरफिकेशनवायर था वो है है कोई नहीं बहुत है, सर, बता, बताता हूं क्या क्लेरिफिकेशन ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ आई टीसीटेनमेंट ऑफ आई टीसीड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन प्रोवाइज टू सेक्शन एट ऑफ दी एस टी एक्ट ओके अब मैं तुम्हें समझाता हूं एट में क्या लिखा है डिस्प्यूट क्या था क्या प्रोविजन था और क्यों क्लेरिफिकेशन आया और उस क्लेरिफिकेशन का मतलब क्या है ओके okay, दो मिनट लगेंगे सर कोई खास बात नहीं है अच्छा बच्चों में जो आपको पेज दिख रहे हैं। example, पेज टू जरूरी नहीं आपको मेरी बुक के अंदर यही पेज मिल जाए क्लियर आप इसको आ, क्योंकि नई बुक के पेज नंबर बेटा है तो पेज नंबर ऊपर होती है क्लियर तो तो ध्यान रखिएगा क्लियरिफिकेशन सेक्शन ट्वेल्व एट के अकॉर्डिंग है सर ओके सरकार ऐसे ही सारे प्रोविजन नंबर आपको जरूरी नहीं आप बस वो ध्यान रखिए टॉपिक कौन सा चल रहा है। उस टॉपिक्लेस ऑफ सप्लाई आई जी एस टी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सेक्शन एट वॉज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अच्छा सेक्शन ट्वेल्व कब लगता है जब सप्लाई सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस दोनों ही इंडिया के बेटा दोनों ही टैक्स वर्टेडरी में लोकेटेड है तो ही सेक्शन नंबर 12 लगता है अब सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 8 बोलता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मान लो मिस्टर एक्स ने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करी सर कहां पर यहां से सिंगापुर पर केस के एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो मुंबई में लोकेटेड है अच्छा मिस्टर एक्स भी मुंबई में ही लोकेटेड है मिस्टर एक्स भी कहा है मुंबई में एबीसी ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टर जो भी नाम लेना है वो भी कहा है साहब मुंबई में सर पर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अच्छा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है आउट ऑफ इंडिया अच्छा पहली बात तो सेक्शन ट्वेल्व क्या बोलता है सेक्शन ट्वेल्व है क्या सर्विसेज बास सर्विसेज

डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया इफ the डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज आउटसाइड इंडिया तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स रेसिपेंट का लोकेशन क्या है कंसर्न नहीं है कहां से गुड्स उठाया कंसर्न नहीं है जो गुड्स का डेस्टिनेशन विच इज द फॉरन डेस्टिनेशन शेल बी द्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर यह प्रोविजन हमने रिपीट किया है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर अब सर ये जो हमने प्रोवाइज पढ़ाना सर अभी ये जो हमने प्रोवाइजो पढ़ा कि सर अगर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में सर अगर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स एंड एंडिपेंट और सर्विस दोनों अगर इंडिया के है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बी द द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज फॉर डेस्टिनेशन अब इसको लेके कुछ इश्यू था रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट सर सबसे पहली बात इसमें इस इस क्लेरिफिकेशन पूछा कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सेकंड इंट्रास्टेड होगा कि इंटरसेट होगा सीजीएसटी एजिस्ट लगेगा कि आईजिस्ट लगेगा और रेसिपेंट को क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर

एयर कार्गो ऑपरेटर हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली बेटा मिस्टर वेस्ट बंगाल में है सर्विस सप्लायर जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विस दे रहा है एयर कार्गो ऑपरेटर वो कहा है वो भी वेस्ट बंगाल का है सर और जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं वो है सिंगापुर में मिस्टर क्लियर अब सर फ्रेड पे करने वाला मैं आदमी बेटा मैं मतलब मिस्टर एक्स अब ट्रांसपोर्टर भी इंडिया का वेस्ट बंगाल का रेसिपिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहा है वो भी वेस्ट बंगाल का पर गुड्स जा रही है आउट ऑफ इंडिया तो ऐसे केस में हमने बात करी हुई है प्लेस ऑफ सप्लाई इन इन दिस दिस केस केस क्लियर सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम्पल है सर क्लियर अब पूछा है क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सिंगापुर होगा क्लियर अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इन द केस गिवन इन सीरियल नंबर वन वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी

प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया तो सप्लायर कहां कहा भाई वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्टर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज सिंगापुर सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई अब सिंगापुर आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपेंट जो है जो मिस्टर एक्स है वो कहां का है सर वेस्ट बंगाल का है उसे कोई कंसर्न नहीं है सप्लायर का है सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट का है वो भी वेस्ट बंगाल का है अब सप्लायर वेस्ट बंगाल का प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर है तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई इस पर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन फाइव सर इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा अब सप्लायर का है सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्ट का बेटा वेस्ट बंगाल का प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर सर जहां पे भी सप्लायर और सर्विस इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में उसको सप्लाई कहते हैं सामने सेक्शन सेक्शन नंबर सब में पढ़ा हुआ है साहब आईजीएसटी जी एक्ट के बेटा क्लियर तो इट इज इंटरसेट सप्लाई फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर इट इज इंटरसेट सप्लाई और ऐसे केस में आईजीएसटी लगेगा क्या लगेगा बच्चों आईजीएसटी अब थर्ड क्वेश्चन आया सर्कुलर के अंदर कि क्या रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाएगा वेदर द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट इज मिस्टर एक्स जो वेस्ट बंगाल का है उसको आई मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ सर्विस जो एक एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स एक्सपोर्ट करी या उसने गुड्स भेजा है कहां से कहा वेस्ट बंगाल से सिंगापुर ट्रांसपोर्टर तो था कौन वेस्ट बंगाल का ही अब उसने जो बिल लिखा उसमें प्लेस सप्लाई था सिंगापुर बिल पे लगाया आईजीएसटी क्योंकि ये इंटरसेट सप्लाई था तो क्वेश्चन आया क्या जो रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल में है मिस्टर एक्स क्या उसको आईटीसी मिलेगा क्या तो सर यहां पे आंसर बोला क्या आप मुझे बताओ आपने पूरा सेक्शन में सिक्सटीन सेवनटीन पढ़ा हुआ है कहीं पढ़ा आपने कि बिल पे अगर आईजीएसटी लिख के आएगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरिन डेस्टिनेशन तो आईटीसी नहीं मिलेगा कहीं पढ़ा आपने सेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी के लिए कहीं हमने नहीं पढ़ा ऐसा मिलता।, तो मिलता है, है। चिंता ना करें अगर ये एलिजिबल आई सी है उसके आउटवर्ड सप्लाई जो था वो टैक्सेबल था उसके बिजनेस लिए उसने सर्विसेज ली थी कोई तकलीफ नहीं है क्रेडिट मिलेगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है एंसर विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट मतलब मिस्टर एक्स विल बी एलिजिबल टू टे द क्रेडिट ऑफ आई जी एस टी इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विस बाई हिम जहां पर गुड्स आउट ऑफ इंडिया जा रही सर कोई तकलीफ नहीं सर अच्छा पॉइंट फोर वैसे एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है पर यहां पूछा है क्या जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना सर तो जब ट्रांसपोर्टर रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा तो लिखा है क्या द सप्लायर ऑफ सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टर शेल रिपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस बाय सेलेक्टिंग स्टेट कोड एज नाइनटी सिक्स दट इज फॉरिन कंट्री स्टेट कोड सेलेक्ट करना पड़ता है भाई रिटर्न फाइल करते वक्त तो उसमें लिखेगा क्या स्टेट कोड नाइनटी सिक्स डेट इज फॉरन डेस्टिनेशन एंड सर ये स्टेट ऑफ लिस्ट की ड्रॉप uh, डाउन में जो लिस्ट आता है ना बेटा उसमें अवेलेबल हो जाता है जब आपका जी एस्टर वन फाइल करोगे क्लियर उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है तो ड्रॉप डाउन में सर स्टेट नंबर और पॉइंट नंबर नाइनटी सिक्स में फॉरेन कंट्री लिखा हुआ उसको आप सेलेक्ट करेगा ट्रांसपोर्टर सर इंटरसेट सप्लाई होगा वहां पर प्लेस सप्लाई सिंगापुर आ रहा है इस एग्जाम्पल में आईजिस्ट लगेगा और रेसिबेंट को उसका क्रेडिट मिलेगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्लियर डन तो वापस से सर्कुलर पूरा जो है वो रिपीट करता हूं। एक लाइन के अंदर सर कुछ नहीं है सर सेक्शन नंबर ट्वेल्व पे सप्लायर ऑफ सर्विस और ऑफ सर्विस दोनों इंडिया के होते हैं वहां पर अगर प्लेस अगर गुड्स का डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया है तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिब कहीं रजिस्टर्ड हो ना हो कंसर्न नहीं है तो अगर गुड्स आउट ऑफ इंडिया गया है तो सर आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में सप्लायर इंडिया का

एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में एक क्लेरिफिकेशन ऐड किया है कोई मेजर क्लेरिफिकेशन नहीं है सिंपल सा है आपको पता है ऑलरेडी सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस चार्ज करी है फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट तो ऐसे केस में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी पे जीएसटी नहीं लगता तो सर हमने एक सर्कुलर पहले पढ़ा हुआ है सर क्या जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जैसे

तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस ले रहे है उस पर जीएसटी है कि नहीं है तो वहां पर ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला है क्लेरिफिकेशन इश्यू करके बोला है कि चिंता ना करें उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा और सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इन जो बोर से, ये जो बोर्ड ये इस तरह की बॉडीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई है सर इन्होंने जो फीस चार्ज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि उस पर्पज के लिए उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है पढ़ लो सर फॉर द रिमूव ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट एनी ऑथोरिटी और बोर्ड और बॉडी सेटअप बाई देंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे सी यू टी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सर कॉलेजे के लिए बेटा तो सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम्पल के लिए सर फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस एग्जाम के बेस पर जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पर कट ऑफ जाएगा और कट ऑफ के बेस पर एडमिशन होंगे में दोज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एटसेट्रा शेल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पजेज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखो एक्चुअली कॉलेज वो एग्जाम नहीं करा रहे अगर कॉलेजेस वो एग्जाम करा रहे होते तो कॉलेजेस आर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके लिए तो अलग से एंट्री वैसे भी दे रखी है पर इस सर्कुलर के थ्रू बोला क्या अगर गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है कोई अथॉरिटी बनाई कोई बोर्ड बनाया है किसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए सो दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे एडमिशन ले पाए बच्चों के लिए क्लियर तो सर आजकल क्या होता है ट्वेल्थ का जो रिजल्ट होता है आपका उसको बेस नहीं मानते कई सारी यूनिवर्सिटीज ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसको बेस मानते हुए एडमिशन देती है आपको क्लियर तो सर ऐसे केस में वो जो बॉडी गवर्नमेंट ने सेटअप करी है या अथॉरिटी या बोर्ड जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया है क्लियर तो उसके लिए जो फीस लिया है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पज के लिए उस बॉडी को भी क्या मान लिया जाएगा साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा सर फॉर दी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छा ध्यान दीजिएगा इसको ओनली फॉर दी लिमिटेड पर्पेज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है किसी और पर्पज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है अदर सर्विसेज अगर है तो टैक्स लाइएगा सर पर एंट्रेंस हाँ, एग्जामिनेशन कराने के लिए उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया आप समझना बात ध्यान से अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों से फीस ले रही है उस पर जीएसटी नहीं है अब सेकंड थिंग ये तो हो ही गया सर सेकंड थिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए

एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए कोई सर्विसेज ली जैसे एग्जामिनेशन हॉल है ना जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होंगे उन कॉलेजेस से उन्होंने सर्विसेज ली पेपर प्रिंटिंग की सर्विसेज ली

और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने जो इनवर्ड सप्लाई लिया होगा वो सब भी एग्जम्प्ट रहेगा क्लियर जैसे क्वेश्चन पे पेपर प्रिंटिंग कराना जैसे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल रहा है ना सर कॉलेजेस वगैरह से इन्होंने बात करी होगी सर हमारे आप हमारा एग्जाम वहां कंडक्ट होंगे आप हमको सर्विसेज दीजिए तो सर ऐसे केस में जो भी फीस उन कॉलेजेस वगैरह ने चार्ज किया होगा एग्जामिनेशन हॉल वगैरह के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो सब एक्ट एक तो तो है और सर्विसेज दीज एज एजुकेशनल दीज टेस्टिंग इन बॉडीज ने ली फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो सब भी एग्जाम होगी बेटा क्लियर माहौल सरकार आइए अगला अमेंडमेंट सर मस्त अमेंडमेंट है सर छोटा सा अमेंडमेंट है सर हमने पढ़ा था टोल चार्ज

इससे ऊपर एक एग्जीशन और था अभी भी है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज टोल चार्ज पर जीएसटी पहले भी एग्जेट था अभी भी एक्ज है पर बाय वे ऑफ एन्यूटी का पेमेंट जो इनको आ रहा है वो अब टैक्सल कर दिया मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या थोड़ा समझाता था, था बच्चा मैं सर आज मान लो रोड कॉन्ट्रेक्टर में हूं बेटा टोल एजेंसी देखी हुई बेटा आपने सर ये लोग क्या करते हैं रोड बनाते हैं रोड का मेंटेनेंस करते हैं अब रोड बनाने के लिए रोड मेंटेन करने के लिए इनको पैसा कैसा आएगा इन फॉर्म ऑफ़ आएगा जो भी रोड को यूज़ उनसे टोल चार्ज लेंगे उस टोल चार्ज पर जीएसटी नेशनल अथॉरिटी बेटा एनएचएआई एच ए आई एग्जाम्पल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यशवंत मंगल को कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया या रोड को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसके लिए सर मैं टोल कलेक्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी डेफर्ट पेमेंट या लमसम पेमेंट ले रहा हूं गवर्नमेंट से बेटा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ले रहा हूं मैं पैसा उस पर जीएसटी लग जाएगा सर क्लियर क्योंकि इंडिविजुअल टोल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं पर गाड़ी पर आ, कार कार वालों से या ट्रक वालों से उस पर जीएसटी एग्जाम था अभी भी है पर सर इन इम ऑफ एन्यूटी जो मेरे को मिल रहा है गवर्नमेंट से टू रिसीव दिस कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड और टू मेंटेन द रोड तो सर ऐसे केस में जो बाय वे ऑफ एन्यूटी एक लमसम अमाउंट

क्योंकि हमने पिछली बार एक अमेंडमेंट पढ़ा था सर मस्त वाला। कि घर किराए पे लिया रहने के लिए मालिक घर किराये पे लिया रहने के लिए तो, तो जीएसटी एग्जाम था अभी भी है पर सर अगर आपने घर किराए पे दिया किसको किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर क्या लिखा मालिक एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मतलब अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को घर किराए पे दिया तो दैट रेंटिंग विल चार्जेबल टू जीएसटी ये अमेंडमेंट पहले हो चुका था सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके सर इसको मतलब अगर आपने घर किराए पे दिया है रहने के लिए पहली बात तो घर किराए किसको देते सर आप गरीब आदमी सर। गरीब आदमी को सर मेरे सर। जिसके पास खुद का घर नहीं है उसका आपने घर किराए पे दिया मालिक रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड तो सर घर किराए पे दिया है रहने के लिए तो रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा साहब पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को घर आपने किराए पे दिया है तो जीएसटी लग जाएगा और हमने पढ़ा हुआ है क्या या जीएसटी लगता है वो भी रिवर्स चार्ज लगता है और विल बी टू टू पे जीएसटी मैके गवर्नमेंट डायरेक्टली <k laughs> मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी रिवर्स चार्ज में सर ये हमने पढ़ा हुआ है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर अच्छा अब तकलीफ क्या ही थी तुम्हें समझाता हूं अच्छा वैसे भी जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया ऑलरेडी इस तरह से पढ़ाया हुआ था कि इस एक्सप्लेनेशन का आपको आपको लोड ही नहीं आएगा क्योंकि हमने जब पढ़ा था वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है साहब एक्सप्लेनेशन मेयर क्लेरिफिकेशन दिस इज जस्ट नेचर कोई नया अमेंडमेंट नहीं किया इसकी वजह से मैं तुम्हें समझा जाता हूं पहले तो प्रोविजन क्या है प्रोविजन समझ में आएगा और हमने वैसे भी इसको पढ़ा हुआ है कोई अमेंडमेंट नहीं सर सर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं सर हूं सर यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड नर जीएसटी ओके okay, मालिक अब मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं आप सोचिए मैंने अगर अपने डायरेक्टर के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए सर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने डायरेक्टर्स के लिए ओके ओके रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है ठीक है सर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने डायरेक्टर्स के लिए अपने सर और किसी ऑफिसर्स के लिए कोई घर किराए पे लिया है और मैं बिजनेस का खर्चा क्लेम कर रहा हूं तो सर उस घर के किराए पर टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज में। मैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है यश मंगल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू तो दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा पर भाई साहब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं अब पर मेरे पास खुद का घर नहीं है अब मैंने घर किराया पर लिया अपने पर्सनल कैपेसिटी में जिसको मैंने बिजनेस का खर्चा क्लेम नहीं किया है

तुमने घर अगर किराए पे लिया है अपने खुद के रहने के लिए आ, सर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया है सर जिसको आप बिजनेस का खर्चा क्लेम नहीं कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है वहां कोई रिवर्स चार्ज मैकेजम नहीं लगेगा अरे भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया इसका मतलब थोड़ा अमीर आदमी बन गया यार उसने खुद के लिए घर किराया लिया है पर्सनल कैपेसिटी में तो सर उसके रेंट पे जीएसटी एग्जिम रहेगा कोई दिक्कत नहीं सर क्लियर पढ़ लो सर आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन फॉर दर्पज एक्सामेशन अंडर दिस एंट्री दिस एंट्रीशियल कवर सर्विस इज बायशियल डेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन अच्छा एग्जीशन मिलेगा भले ही आपने घर गिराया दिया किसको रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जीबिशन मिलेगा वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रोपर ऑफ देंट द रेजिडेंशियल डुवेलिंग इन इज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज इज हिज ओन रेजिडेंस अपने एम्प्लॉ के लिए नहीं अपने डायरेक्टर के लिए नहीं खुद के लिए भाई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसने घर के लिया है, तो yes, मिलेगा. वो खुद के खर्चे से अपनी ड्रॉइंग से पैसा दे रहा है रेंट का वो प्रॉपर्टीशिप कंसर्न से खर्चा क्लेम नहीं कर रहा है वो क्लियर तो ऐसे किसी को तकलीफ वाली बात नहीं है वो उसने पर्सनल कैपेसिटी में घर के किराय पर लिया it, it GST, वो में है क्लियर समझे मेरी बात देखो सिंपल सी बात ये है आप तो सिंपल से बताओ ना यार मैं प्रॉपर्टीज कंसर्न हूं प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर वो खर्चा दिखेगा घर किराया पे लेने का तो ही तो टैक्स लगेगा तो ही तो रिवर्स चार्ज लगेगा मैंने कोई घर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया रेंट दिया बात खत्म अपने पर्सनल कैपेसिटी में मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट से पैसा दिया ही नहीं सर बिजनेस में खर्चा क्लेम किया ही नहीं तो टैक्स लगेगा भी नहीं रिवर्स चार्ज की बात आती भी नहीं सर क्लियर आप खुद बताओ ना आप एक ऑडिटर हो सर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करने आए चेक करने आए आपको पता ही कैसे पड़ेगा मैंने घर किराया लिया रहने के लिए सर जब मेरी बिजनेस में खर्चा ही क्लेम नहीं किया हुआ बिजनेस में कोई रिकॉर्ड भी नहीं सर वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टिल जीएसटी विल बी क्लियर अच्छा आ, इसी को बहुत सिंपलीफाई वे में और भी समझाने के लिए मैंने बहुत सारा एनालिटिकल व्यू तो दे ही देखा सर आपको प्लस एक टेबल प्रेजेंटेशन भी दिया है बेटा जो आपको पहले नोट्स में मैंने इसमें इंसर्ट नहीं किए थे पर मैंने बाद में अमेन नोट्स में इंसर्ट कर दिया तो अगर आपने नोट्स पहले डाउनलोड कर देते थे तो आप वापस से रिडाउनलोड कर लीजिएगा बेटा मैं आपको एक बार इस मैंने इस नोट्स के लास्ट में अभी इंसर्ट किया है इसको मेरे इस नोटपेड में आपके तो रेस्पेक्टिव पेज के बाद मिल जाएगा सर ठीक है सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इससे आपको बहुत ही अच्छे से कभी दिक्कत आएगी नहीं और आराम से सर ये प्रोविजन समझ में आ जाएगा वापस से रिवाइज हो जाएगा इफ द रिवाइजेंट इज रजिस्टर्ड रजिस्टर्डी घर किराए पर लिया है एंड इफ द रेसिट इज दिन रजिस्टर्ड पर्सन पहले ये बात करते हम इफ द इज़ देन रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे केस में के लिया तो है आपको, घर किराए पर लिया तो टैक्सेबल तो होगा और यहां पे फॉरवर्ड चार्ज है, है सर सेकंड घर किराए पर लिया है रहने के लिए अब किसने लिया है बेटा रजिस्टर्ड पर्सन वो रजिस्टर्ड है ही नहीं घर किराए पर लिया है रहने के लिए

अनरजिस्टर्ड बेटा तो जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं उसने घर किराए पर लिया है रहने के लिए भले खुद के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए किसके लिए भी जीएसटी एग्जेम रहेगा क्लियर पर अगर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और उसने घर किराए पर लिया किसके लिए कमर्शियल यूज के लिए सर तो घर किराए पर लिया है किसने रजिस्टर्ड पर्सन है ना बेटा तो टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स एज मेनिजम लगेगा क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन भले वो यूज कमर्शियल प्लेस करे या एज ए रेजिडेंस करे ज लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा क्लियर और अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराया भली अपने यूज इज रेसिडेंस दी रेसिपिन डायरेक्टर एम्प्लॉय एटसेट्रा टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज रिवर्सार्ज लगेगा पर अगर देखो ध्यान से अगर उसने वो घर किराए पर लिया और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा क्लेम नहीं किया होता तो उसने पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया होता क्लियर भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर उसकी बुकअप अकाउंट में वो खर्चा देख ही नहीं रहा वो ट्रांजेक्शन ही नहीं रहा तो टैक्स की बात तो आएगी नहीं कोई रिवर्स चार्ज कोई फॉरवर्ड चार्ज की बात नहीं आएगी पर अगर उसने खर्चा क्लेम किया तो टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों क्लियर अच्छा कमर्शियल यूज में लिया है तो, तो टैक्स लगेगा लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों क्लियर डन आई होप ये चार्ट आपको और भी क्लेरिफिकेशन क्लेरिफाई कर देगा टॉपिक को बच्चों माहौल के साथ आइए बच्चों हम वापस आए हमारे मेगा एग्जीशन के उस पॉइंट पर चले जाते हैं सर जहां से हम इस पॉइंट को पढ़ रहे थे आइए मालिक सर ये हमने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग वाला पॉइंट और उस रिलेटेड वो चार्ट आपके आपके नोट्स में तो ये इस रेस्पेक्टिव पेज के बाद ही मिल जाएगा कंटिन्यूटी में बेटा मेरे इस नोट्स में नहीं था इसको मैंने मेरे को लगा कि इसको इंसर्ट कर देना चाहिए चार्ट को सो so दैट आपको और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा प्रोविजन ओके आइए सर मालिक एक और सर्कुलर इंसर्ट हुआ है कुछ नहीं बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर कोई खास बात नहीं है सर पढ़िए एक बार क्लियरिफिकेशन सर कोई कोई अमेंडमेंट नहीं है क्लियरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयर फोर्स मेस टू इट्स पर्सनल सर क्या होता है एयर फोर्स और आप देखेंगे ना सर ये जितने भी आर्मी वगैरह होती है सर इनकी मेस बनी होती है जहां पर आर्मी पर्सनल अलग अलग सिटीज में अलग अलग एरियाज में होती है सर जहां पे इनके पर्सनल मतलब इनके जो आर्मी आर्मी मैन वगैरह तो होता है ना सर सर ये लोग मोस्ट रेस्पेक्टेड लोग ये वहां जाके स्टे कर सकते हैं वहां रह सकते हैं सर क्लियर तो जो इनसे फीस लिया है जो चार्जेस लिया है एयरफोर्स आर्मी मेस ने उस फीस पर जी लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा रिवर्सल लगेगा फॉरवर्ड लगेगा क्या लगेगा सर तो सिंपल सा पॉइंट ये है सर ये जो एयरफोर्स मेस होता है सर सर एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेज इज एक बार सच इज आर्मी मेस नेवी मेस पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस मेस यहां पे इनके पर्सनल पुलिस पर्सनल आर्मी पर्सनल वगैरह वहां जाके स्टे कर सकते हैं रुक सकते हैं तो इनसे जो फीस लिया है जो चार्जेस लिया है उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा दिस इज द क्वेश्चन तो सर हमने पढ़ा हुआ है क्या ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एक्सम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट चार सर्विसेज फर्स्ट थी क्या सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेकेंड

वो तो इंडिविजुअल पर्सन है बच्चों क्लियर अब गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी क्योंकि सर ये आर्मी में पुलिस फोर्सेस जो होती है आर रन बाय गवर्नमेंट तो ये कहलाएगा क्या सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी वैसे भी क्या है Exempt है और ये कोई पोस्ट वाली सर्विस वैसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और, और पैसेंजर वाली सर्विस तो है नहीं सर इसलिए ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी सर

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा सर आपने सुना होगा गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करी है सर सर अब रुपए डेबिट कार्ड्स एंड लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन दो हजार रुपए तक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों सर इनको इनके लिए अब तुम, चलो पहले तुम्हें समझाता बच्चों में अगेन कोई अमेंडमेंट नहीं है सर्कुलर है सर केवल एक ओके okay, बच्चों सर हमें सर्कुलर क्या कहता है बच्चों तो तुम्हें पहले प्रोविजन रिपीट कराता हूँ मैं ये प्रोविजन बोलता हूँ मैं पहले उसके बाद ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा मैं आप सर्कुलर पढ़ाऊंगा सर हमने और आपने पढ़ा हुआ है क्या फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी किसी मॉल से शॉपिंग करते हो बेटा कहीं से भी किसी भी शोरूम से आपने शॉपिंग किया है और कार्ड से पेमेंट किया है मान लो शोरूम वाला मैं हूं साहब आप कस्टमर हो आप आए आपने हमसे कुछ परचेज किया और आपने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया साहब तो मेरे पास मान लो जो पोस्ट मशीन होती है ना बड़ा वो मशीन है मेरे पास कौन से बैंक की एच डी एफ सी बैंक की मान लो आपके पास कार्ड कौन सा है सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आईसीआईसी बैंक का आपने जैसे ही स्वाइप किया मेरा जो बैंक है मेरा बैंक मतलब भी कोई बैंक नहीं हो है। सर जिससे मैंने वो पोस्ट मशीन ले रखा है, है पेमेंट के लिए सर उस बैंक को बोलते हैं पेमेंट पेमेंट किस ले रहा है आईसीसी बैंक से तो आईसीसी बैंक से एच बैंक पेमेंट लेगा और बैंक मेरे अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा ये सब काम करने के लिए जो एच डी एफ सी बैंक है, है एक्वायरिंग बैंक एक चार्ज करता है, है साहब उस फीस पर सर जीएसटी लगता है सर इसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस क्या बोलते मालिक मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस इस फीस पर जीएसटी लगता है नाउ पॉइंट इज दैट इस फीस जीएसटी लगता है तो साहब एग्जीबिशन में क्या लिखा है एक्जीबिशन में हमने पढ़ा हुआ है क्या अगर वो ट्रांजेक्शन जो अमाउंट स्वैप किया आपने जो शॉपिंग किया है उसका अमाउंट अपटू रुपीज टू थाउजेंड तो होता है तो जो भी मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस बैंक ने चार्ज किया होगा एक्वायरिंग बैंक ने उस दो हजार की जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज था मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है सर कितना एक परसेंट दो परसेंट मैक्सिमम मान लो फोर्टी रुपीज चार्जेस था वो चालीस रुपए जीएसटी नहीं लगेगा ये एग्जामेशन में पहले पड़ा हुआ है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है अब गवर्नमेंट ने क्या किया रुपए डेबिट कार्ड और लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन जैसे गूगल पे पेटीएम वगैरह सर यूपीआई ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए सर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बैंक्स को बोला हुआ है कि अगर दो हजार रुपए तक का ट्रांजेक्शन है और जो पेमेंट कस्टमर ने किया है वो रुपए डेबिट कार्ड से किया है या यूपीआई पेमेंट किया है उसने पेमेंट तो ऐसे केस में, दो हजार रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे आप उस कस्टमर से कोई मर्चेंट बैंकिंग चार्ज नहीं लोगे मतलब मेरा दुकान है साहब मेरा शोरूम है आप कस्टमर आए मेरा बैंक है कौन सा मैंने जिससे मशीन ले रखी वो कौन सा है एच बैंक है अब एच बैंक को बोल दिया क्या मंगल से तो कोई चार्ज नहीं ले, नहीं लेगा अगर उसके कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो भीम यूपीआई यूज करके किया है या रुपए डेबिट कार्ड से थ्रू पेमेंट किया है और पेमेंट का अमाउंट अप टू रूपीस दो हजार तक का है तो मेरे से वो बैंक एच डी बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा तो एसडीवसी बैंक ने बोला कि हम क्या समा सभा करने पैदा हुए क्या हम क्यों चार्ज नहीं लेंगे साहब प्रमोट तुमको करना है और फीस हम नहीं ले तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल ने बोला अरे चिंता मत कर बैंक वो जो फीस है वो हम देंगे इन दम ऑफ सब्सिडी इंसेंटिव टू प्रमोट द रुपये डेबिट कार्ड म यूपीआई ट्रांजेक्शन क्योंकि सर अगर कस्टमर कोई चार्ज नहीं लगेगा आज मान लो मंगल जो शॉप वाला है दुकान वाला उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो अल्टीमेटली कस्टमर को बोलेगा ठीक है पेमेंट कर देखिए भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन से कर दे सर रुपये डेबिट कार्ड से पेमेंट करो हमें कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लग रहा आप तो पे करो कोई तकलीफ नहीं तो कम होगी तो इसका ट्रांजेक्शन प्रमोट होगा और प्रमोट होगा तो सर गवर्नमेंट को फायदा होगा डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर, करने के लिए साथ तो सर एच डी एफ सी बैंक को बोला कि दो हजार रुपए तक का ट्रांजेक्शन अगर है भीम यूपीआई से या रुपए डेबिट कार्ड से तो आप मंगल से कोई चार्ज मत लेना साहब तो सर जो आपका सर्विस भी बनता है वो हम आपको देंगे इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव एच डी एफ सी बैंक ने बोला ठीक है साहब हमें क्या तकलीफ है सर अब क्वेश्चन ये आया कि मान लो थर्टी रुपये चार्जेस <coughs> जो बैंक मंगल से नहीं ले रहा है गवर्नमेंट दे रही है सर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है बैंक को तो सर इस थर्टी रुपए पे थर्टी रुपया क्या है दो हजार रुपए का ट्रांजेक्शन था वन पॉइंट फाइव परसेंट मान लोशन होता है कितना सर थर्टी रुपए अब दो हजार रुपए के ट्रांजेक्शन पे थर्टी रुपये आर दी चार्जेज मर्चेंट बैंकिंग चार्जेज तो अब तीस रुपए के ट्रांजेक्शन पर सर तीस रुपए का ट्रांजेक्शन जो है उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा क्योंकि वो तीस रुपए से नहीं ले रहा है बैंक वो किससे ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा है तो यहां इस ने किया कि चिंता मत कर मंगल गवर्नमेंट ने सिंस प्रोहिबिट किया प्रोहिबिट किया कि तुम से पेमेंट नहीं लोगे हम तुम्हें वो इंसेंटिव देंगे इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी अब सर यहां पे गवर्नमेंट ने सर्कुलर देखो थर्टी रुपयेटिव वो इंसेंटिव सर नियर सब्सिडी बाय दी गवर्नमेंट और आपको हमको पता है सेक्शन पढ़ा है

जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया और बोला टेक्नोलॉजी इंसेंटिव पेड बाय माइटी टू एक्वायरिंग बैंक अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपये डेबिट कार्ड एंड लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन आर इन द नेचर ऑफ सब्सिडी एंड दस नॉट टैक्सेबल और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा तो सर वापस कंक्लूसिवली बताता हूँ दो हजार रुपए तक जो ट्रांजेक्शन होता है अगर कस्टमर ने पेमेंट किया है भीम यू के थ्रू या रुपये डेबिट कार्ड के थ्रू तो ऐसे केस में उस ट्रांजेक्शन पर जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है वो बैंक चार्ज नहीं कर सकता है उस दुकानदार से ऐसे केस में वो जो उसका मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है वो गवर्नमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव टू दी बैंक और उसको उस इंसेंटिव को सब्सिडी मानते हैं और सब्सिडी अगर है

क्लैरिफिकेशन समझने के लिए सर्कुलर समझने के लिए पहले आपको ट्रांजेक्शन समझना पड़ता है सर और आपको पता है हम पूरा ही इंडरा टेक्स ट्रांजेक्शन बेस्ड पढ़ते हैं सर पूरा हर एक चीज को हम ऑपरेशन करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली वो होता है उसके बाद हम टैक्सेशन की बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होना चाहिए सर हमेशा तो मजा आएगा सर हमेशा ओके सर ध्यान देना बच्चों क्लियरफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज मैं तुम्हें पहले समझाता हूं होता है क्या सर यह आज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया या और भी अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कार का इंश्योरेंस कराते हो आप देखना मैक्सिम केस में कार का बाइक का एक्टिवा का अगर आपने इंश्योरेंस कराया सर सर लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या होता है आदमी गया काम खत्म सर उसमें नौकले में नहीं होता है अब सर यहां पर कार के इंश्योरेंस में आप देखिएगा वहीकल इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो मैक्सिमम केस में आप देखना अगर आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है प्रीमियम दे दिया सर और पूरे साल में कार को कुछ भी नहीं हुआ आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो तो ऐसे केस में आपको एक डिस्काउंट मिलता है इन फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस जैसे फॉर एग्जाम्पल वन लाख रुपए का इंश्योरेंस था प्रीमियम का अमाउंट बेटा वन लाख रुपए का प्रीमियम का अमाउंट है और आपने पिछले साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया मतलब आपने कराया था बेटा और कोई कार को कुछ हुआ ही नहीं, आपने कोई किया ही नहीं तो में, अब में जब आप अपना कार का इंश्योरेंस रिन्यू करेंगे पर सिंस प्रीवियस ईयर में आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया था तो नो क्लेम बोनस का नाम का एक डिस्काउंट आपको मिलता है उस प्रीमियम के अंदर

जिसने इंश्योरेंस कराया कार का अपनी आप वो मान लो इंश्योरेंस कंपनी तो आपने मुझे तो दस हजार रुपए दिए इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट क्या मैंने टू 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 फ्रॉम एन 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 एक्ट 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 और और डू याद आया बेटा क्या मैंने एग्री किया है कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा अरे मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया मतलब मैंने ये आपसे

क्या आप मेरे को इतना फीस दे देना दे मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा ही इज नॉट अंडर टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट इसलिए दस हजार की कोई मैंने सर्विस नहीं दी है आपको मैं एक इंश्योर्ड पर्सन हूँ आप इंश्योरेंस कंपनी हो दस हजार सवाल ही नहीं आता साहब कोई सर्विस है क्या नहीं तो फर्स्ट इश्यू तो गवर्नमेंट नहीं है क्लेरिफाई करके बोला कि दिमाग खराब मत कर मंगल दिस इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाई द इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए कोई आप वो जो एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस जो आप दे रहे हो दैट इज नॉट अ फीस

दस हजार रुपए लेस करके नेट जो नाइन थाउजेंड आया है क्या उसी पे जीएसटी लगेगा या पूरे वन लीक पे जीएसटी लगेगा क्वेश्चन तो क्या नब्बे हजार जीएसटी लगेगाबल डिडक्शन डिस्काउंट है एक तरह से हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर टू क्लोज नंबर सी में सेक्शन थ्री में सर उसका बोलता है क्या जब मैं सर्विसेज दे रहा हूं जब मैं सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस कर रहा हूं उस टाइम पेट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवोस इट से मैंने अगर बिल पे ही कोई डिस्काउंट डिस्क्लोज किया है और डिस्काउंट को वहीं पर बिल पे रिकॉर्ड करके वैल्यू में से लेस किया और नेट वैल्यू ही मैंने कस्टमर से ली है दैट इज अ परमिशिबल डिडक्शन और नेट वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा साहब तो सर एनसीबी के केस में भी क्या हो रहा है नो क्लेम बोनस के अंदर क्या हो रहा है सर मेरा ग्रॉस प्रीमियम था मान लो वन लाख रुपए लेस करता है इंश्योरेंस कंपनी बिल पे ही डिक्लेयर करती है कि नो क्लेम बोनस डिस्काउंट दस हजार रुपए

बाय रेसिडेंट मतलब इंश्योर्ड इंश्योर्ड पर्सन जो है उसने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी है दट इज नॉट एन सर्विस बाय वे ऑफ एग्रिंग टू दी ऑब्लिकेशन टू रिफर एंड फ्रॉम एन एक्ट कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूँगा इसलिए मुझे आप दस हजार रुपये फीस देना अरे भाई मैंने इंश्योरेंस कराया है इसलिए कि मैं इंश्योरेंस क्लेम लूंगा आपसे अगर कुछ हो गया तो ठीक है कुछ नहीं हुआ मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया आपसे इसलिए आपको बोनस दे रहे हो अगले साल में क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को एक तरह से पूरा पूरा प्रीमियम फायदा हो गया सर इसलिए

सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज नंबर ए का रेफरेंस दे रखा बच्चों हाँ ना भाई तो कुल मिला के बोनस के केस में नेट वैल्यू जो मेरे से लिया है नेट प्रीमियम जो मेरे से लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने आफ्टर डिडक्टिंग द एनसीबी उसी पे जीएसटी लगेगा क्लियर माहौल डन चलिए सरकार लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते क्लियर तो सर शायद जो अमेंडमेंट आपने पढ़े सारे समझ में आए डिटेल में समझ में आए लॉजिक समझ में आए प्रैक्टिकली समझ में आए एंड सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है माहौल बन रहा है क्लियर चलिए सर आगे के अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद माहौल के साथ बाय बाय टेक केयर सर पर हां यहाँ तक क्या मैंने आपके एंड पे रिवाइज हो जाना चाहिए सर माहौल